एमआर मठ खोला स्थानरु मिलिला भंगा सिंह मूर्ति जहाँ पुनी श्रीमंदिर चारिपाख खनन को नहीं उठिला बड़ प्रश्न संदेह करा जाउछि खनन कारण अनेक ऐतिह्य नष्ट हो जाए जहाँ काठगड़ा राज्य सरकार गोटे परे गोटे तथ्य एवं सामना को आसवाक लगुच्छे। गत मे 7 तारीख में एएसआई देता सत्यपाठ एवं अनेक गुमर खुली सत्यपाठर 40तम पृष्ठ खनन समय गत एप्रिल 29 तारीख में माटी तलू कीर्तिराजी मिलता कथा स्पष्ट कर एक प्राचीन सिंह मूर्तिर फोटो संलग्न कर एएसआई हाइकोर्ट को एने अवगत कराई तेरे एवं बड़ बड़ खनन होइथिबारु आहुरी अनेक एपरी प्राचीन मूर्ति मिलिबार संदेह को एड़ाई दिया जाई न पारे आहुरी अनेक माटी तले रहिते पारो मध्य अनुमान करा जाए बिना ग्राउंड पेनिट्रेशन गार्ड रो सर्वे रे एपरी खनन होइथिबारु एबे कीर्तिराजी सहित माटी तले रहिथिबा प्राचीन कीर्तिराजी सह माटी तले पोती होई रहिथिबा प्राचीन ऐतिह्यर अंश विशेष प्रति मध्य देखा देछि विपद। मारमठ खोला स्थान मिलिला भंगा सिंह मूर्ति जहाँ को नहीं पुणी श्रीमंदिर चारिपाखर खनन को नहीं वर्तमान बड़ प्रश्न छिड़ा हो संपर्क अधिक सूचना देवाई आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष। आलोक एमारमठ खोला स्थान पुणी एक भंगा सिंह मूर्ति मिली कौन आसुच अपडेट खबर मंदाकिनी आपण जानते जो एमआर मठ निकट में श्री जगन्नाथ रिसेप्शन सेंटर करा ताहा तो विवाद रही जेहेतु 100 मीटर प्रोहिबिटेड एरिया मध्य कौन निर्माण कार्य हो पारना बोले एएसआई सत्यपाठ देखी से ही जो बिवाद रही सीधा सड़क एमआर मठर जो श्री जगन्नाथ रिसेप्शन सेंटर को रेगुलेटेड एरिया को स्थानातरित करने को गजपति महाराज को दिव्य सिंह देव अध्यक्षतार एक बैठक कराइला कितु जो प्राचीन कीर्तिराजी रही से गुड़िक सब वर्तमान तरह बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती कारण आपड़ जानते मे मस 7 तारीख में एएसआई तरफ जो सत्यपाठ दाखल कर सत्यपाठ दाखल करप्रिल 29 तारीख में जो एमआर मठ निकट दुईट सिंह मूर्ति बाहर था से ही दुईट सिंह मूर्ति किभली भाव बाहर कौन पर ग्राउंड पेनिटेटिंग राडार सर्भे नहीं प्रश्न एवं कि देखा मिलेगा पुनर्बार गोटे ऐतिह्य कीर्तिराजी बाहरी एक सिंह मूर्ति बाहर आप सीधा सड़क दृश्य देख पार ये हूँ से एमआर मठ निकट सिंह मूर्ति जहाँ देखा आज सका लोकलोचन को आम आलोचना करवा आम सहित शरत रायगुरु अच्छा आज्ञा जीपीआर बिना जीपीआरएस तो सबकि करागला बर्तमान जो सिंह मूर्ति बाहरी ये मध्य विपद रे आपण से कहली पूरा आपण पूर्व जो एएसआई ता सत्यपाठ देते से स्पष्ट लिखिले जीपीआरएस ये जीपीआरएस नवार कारण हूँ एमाने एएसआई की अलग पक्ष रखीदे टाटा ओबीसीसी राज्य सरकार एमाने खोलिबा आरंभ करदे एएसआई की से उत्तरदायित्व तो देले एएसआई चिठी की भूक्षेप कले ना आज ये परिणाम भोगुं कारण एएसआई जोड़िए फटो दे हाइकोर्ट में मुझे भावुँ जदि एएसआई जोड़े फटो दे संरक्षण को जाइ तीन नंबर मूर्ति नुह तो ये तीन नंबर मूर्ति नुह तो ये एक विराट बड़ प्रश्न अच्छी तेणु ये कौच मटी तले बहु कीर्तिराजी अच्छी केवल एमआर मठ न श्रीमंदिर चारिपटे जो खनन कार्य करागला बहुत कीर्तिराजी को उधार कराई लोकलोचन को आसपार ना राताराति माटी गुड़िक रातारा खोलाई राति रात मटी को बाहर को पल तेनाली बिकाई से कीर्तिराजी पलि ध्वंस हो तार हिसाब किए दब तेणुक मुझे कहूँ 75 मीटर कौन 100 मीटर हो प्रोहिबिटेड एरिया तापर रेगुलेटेड एरिया से एरिया गुड़ाकर प्रथम जीपीआरएस होपर तुम निर्माण कर निर्माण बर्तमान बंद हो जो पर्यटन जीपीआरएस नई प्राचीन ऐतिह्य कीर्तिराजी आज सुरक्षित नुह ये ऐतिह्य करिडर क्या अर्थार्थ हो सही तो ये ऐतिह्य नुह आज्ञा प्रथम सुरक्षा बल गलापर ऐतिह्य करिडर गला एवं परिक्रमा मार्ग ये परिक्रमा मार्ग को संपूर्ण भाव में अणदेखा करी बेआईन भाव निर्माण हो आईन सम्मत नुह से तापाई राज्य सरकार इमीडिएट जीपीआरएस करी लोकों पाखे उत्तरदायित्व हूँ आस्थावाद आहरी अनेक भग्नाविश्वास श्रीमंदिर चतुष्पाश एमती देखा मिली थी जहाँकि लोकलोचन को आसपार ना मटी भितर रही थी तो सरकार कौन कर्तव्य जीपीआरएस करवा निहाती प्रथमे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रैडर द्वारा सर्वे करो प्रथमे सर्वे कले धरा पड़ माटी तले कौन रही कौ कीर्तिराजि रही कौ कलाकृति रही कौ हेरिटेज रही कौ ध्वंसावशेष रही कौ मूर्ति रही सब धरा पड़ो संरक्षण करने दायित्व तो राज्य सरकार कर ना ना आपको इमिडियट एएसआई आसिक देखू ये कौ समय कौन तक से टेक्नोलोजी अच्छी
ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଏଏସଆଇର ସହାୟତା ନେଉନାହାନ୍ତି ଚତୁଷ୍ପର୍ଶ ଖନନ ବେଳେ କି ନିର୍ମାଣ ବେଳେ। ନେଇ ନାହାନ୍ତି ପରା, ନେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କହିଲେ ତମେ ଏଏସଆଇକି ନିଅ, ଏଏସଆଇକି ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ ବୋଲି କହିଲେ କି ନେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦାକିନୀ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ବା ଏଏସ୍ଆଇର, କିନ୍ତୁ ଏଏସ୍ଆଇର ବିନା ସମନ୍ୱୟରେ, ଏଏସ୍ଆଇ ସହିତ ବିନା ସମନ୍ୱୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଖନନ କରାଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯାହାର ଫଳରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠ ଏଏସ୍ଆଇ ଦାଖଲ କଲା। 29 ତାରିଖରେ ଆମେ କହିପାରିବା 2 ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ଏମାର ମଠ ନିକଟରୁ ବାହାରିଥିଲା, ତାହାକୁ ନେଇକି ସେହି ଫଟୋକୁ ନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଏସ୍ଆଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଖାଇଲା। ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଷ୍ପର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଖନନ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି GPS ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟେଟିଂ ରାଡାର ସର୍ଭେ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର GPS ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଷ୍ପର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦୂର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଆପଣ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପୂରାପୂରି ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଲୋକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।